तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो फ्यूल पंप है, सॉरी जो फ्यूल टैंक है, इसका जो पाइप है, इसको कैसे इजीली निकालें, ऐसा ना हो आप इसमें हमारा एक येलो कलर का लॉक है, कभी ऐसा ना हो भाई आप इसको निकाल लो किसी प्रकार का, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता है, स्क्रू ड्राइवर लेना है इन पिचकस, तो इसको कहा पहले तो अंगूठे से अंदर दबा लें, फिर इसको लॉक को अड़का नीचे दबा देंगे, ये आवाज़ आएगी किसी, देखो ये आवाज़ आई, कट देना आवाज़ आई, उसके बाद अड़का पकड़ के इजली बाहर निकाल लेना, ये ऐसे ऐसे हिला हिला के ये निकल आया। ठीक है दोस्तों, ये लॉक है जो हमारा, ये येलो वाला लॉक है, इसको नीचे प्रेस करना है अंदर दबा के, ये इजली बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा जो फिर टैंक यूनिट का है, ये निकाल देना है कपलर, ठीक है, और एक अंदर हमारा एक अंदर है, ये मैंने पहले ही निकाल दिया था, ये फ्यूल पंप का है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्यूल पंप दिखा देता हूँ इसमें कैसा लगा होता है। ठीक है, तो इसको नीचे कर लेते हैं, इसमें पेट्रोल है 2-3 लीटर, तो 8 ही गोटी लेंगे। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रू हैं, 8 नंबर की गोटी से खोल लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। पेट्रोल ज़्यादा इतना है ये दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है इसमें 2 लीटर पेट्रोल कम से कम होना चाहिए। ये हमारी प्लेट निकल गई, ये हमको दोस्तों ऐसे ही निकालना है, ये मैं घुमा, अगर घुमाओगे नहीं तो ऐसे निकल पाएगा, तो सीधा हमारा निकल गया। ये हमारा है दोस्तों फ्यूल पंप, ठीक है, ये हमारा कपलर लगता है, इसमें ये पाइप लगा हुआ है, तो इसमें प्लस माइनस के ब्लैक वायर, माइनस का ये रेड उसका। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अंदर हमारे देखते हैं पहले क्या है इसमें, अगर हमारे को ये क्लीन करना है इसका फिल्टर फ्यूल पंप का, तो वो देखते हैं पहले। तो ये इसके लॉक हैं, ये इन फीचर से ये आराम से निकालने हैं, ये लोग इसको निकालते हुए पीछे कैसे देंगे, इसकी कैप अटक गई है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा फिल्टर है, फिल्टर इसके अंदर, फिल्टर के अंदर जो दोस्तों जो हमारा ये फिल्टर है, यहाँ पर ये लॉक है, इसको उठाना पड़ेगा, ये ऐसे ये करके रखा पिचकस से दबा देंगे, फिर दूसरी साइड से, ये लोग ये निकल गया, इसके अंदर ये रबड़ का ओरिंग है, ये संभाल कर रखना है। ठीक है, ये हमारा फिल्टर है, इस पर एयर पर आप एयर से साफ कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, कभी अगर दिक्कत आती है तो, मैंने खाली आपको दिखाया है, और जो हमारा फ्यूल पंप है ये इसके अंदर है, ये बॉडी, ये थोड़ा ये बॉडी है फ्यूल पंप की। ठीक है, तो मैं इसको वापसी फिट कर रहा हूँ, खाली आपको दिखाने के लिए मैंने खोला था, इस बाइक में कोई समस्या नहीं थी, कभी खोलना पड़ जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे इसका जो हमारा फिल्टर साफ होगा। लगाते हुए ध्यान रखना, हमारा जो खाँचा है ये इधर का, यहाँ पर वो है, तो ये इसमें दबाना आयरिंग से, ये लग गया ईजिली लग जाता है। तो दोस्तों जो हमारे कैप है ये लगाने जा रहे हैं, ये कैप जो है ये हमारे खाली हिस्सा है, ये इस साइड आएगा, जो मेरा फ्यूल पंप का फिल्टर है इस साइड में, ये डाल लेना इसको टका टेढ़ा करके, ये आ जाएगा नीचे की तरफ में। ठीक है, अब इसमें हमने धीरे धीरे बैठा देना इसको, जो ये लॉक है इसमें ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, ये लग गया, कट देना आवाज़ आ गई, तो हमारा ये अंदर से लॉक हो गया, और जो हमारा फिल्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें अब इसको फिट करता हूँ। ठीक है, ये रूम में 3 कंपनी वेंडर बता रही हैं दोस्तों, के इनका है, निपोन का, एक कंपनी बताती है। अब इसको हम फिट करने जा रहे हैं, इसका रबड़ का जो पैकिंग है ये हमेशा ध्यान दें, रबड़ पैकिंग हमारी जो इसकी गैसकेट है वो ठीक है, तो हम इसको फिट करने जा रहे हैं। वैसे ये अगर कभी साफ करना है
इसको मैंने खोल के दिखाया दोस्तों, ठीक है। ये अब लगाएंगे इसकी क्लैंप, क्लैंप लगाते हो ध्यान दे दोस्तों, जो हमारा कट है ये नीचे तरफ रहेगा, यहाँ पे फिल थ्रू जो फिल्म बॉडी है उसमें एक वो निकला हुआ है, ये लगाना है ऐसे इस तरह। अब लगाएंगे इसे बोल्ट, आप इजीली से इसका जो हमारा फ्यूल पंप का जो फिल्टर है वो साफ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।